हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। इस वीडियो में मैं आपको एएमयू का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। तो ऐसा होता है, बच्चों को समझ नहीं आती, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं वो जब भी फॉर्म भरते हैं, तो फिर करेक्शन डेट आ जाती है, वहाँ से ही कर लेते हैं। लेकिन क्यों मौका देना है ऐसा कि हमें करेक्शन करना पड़े। तो ये फॉर्म देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा, तो आपको इसे फॉलो करना है सीधा सीधा। आप साथ में भी एक डिवाइस में वीडियो चला के बैठ जाइए और दूसरे लैपटॉप वगैरह में फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले amucontrolexams.com पे जाएंगे, 10-12 मिनट में आपका ये पूरा फॉर्म भर दूंगा। 100-150 रुपये, 250 आपको कहीं कैफे पे देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी आ रहा हूँ, देखिए कैमरे में थोड़ा इफेक्टिव भी रहेगा, सामने आ रहा हूँ। तो सबसे पहले यहीं पर आप देख लीजिए, गाइड टू एडमिशन आ रहा है। अगर ये लाइन हट जाती है तो आप यहाँ पर भी देखिए, गाइड टू एडमिशन एडमिशन वाले सेक्शन में आएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप, सिंपली जब क्लिक करेंगे देखिए आपका दूसरा जो होगा पेज खुल जाएगा। दूसरे पेज में देखिए सबसे पहले ऊपर ही एप्लीकेशन फॉर्म्स आ रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म्स पे आप क्लिक करेंगे और देखिए, गलती कहीं नहीं करनी, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको कि कहाँ क्या भरना है आपको, और अलग से वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म्स के क्या क्राइटेरिया वगैरह भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में, तो इसलिए फिक्र मत कीजिए, आप देखते रहिए वीडियो को। इसके बाद देखिए, जब आप ये ओपन करेंगे तो इसके बाद आपका पेज ऐसे ओपन होगा। देखिए पेज ओपन होगा, इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए एक बार इन इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दे लेते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई फालतू दिखावे के लिए, साइट अच्छी बनाने के लिए नहीं होता। इसमें आपको दिखाई देता है, बताया जाता है क्या ध्यान में रखना है। पहले तो आपका ईमेल और पासवर्ड होगा लॉगिन आईडी के लिए, और एक सिंगल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2-4 आईडी मत बनाइए अलग अलग कोर्स के लिए, एक ही आईडी से अलग अलग कोर्स का आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ही आईडी से अगर आप बीए भी भरना चाह रहे हैं और बीकॉम भी भरना चाह रहे हैं, बीएससी जो भी भरना चाह रहे हैं, 3-4 कोर्स एक ही आईडी से हो जाएगा। तो वो मैं बताऊंगा कैसे होगा, आगे आप देखते रहिए। और फिर एवरी कैंडिडेट के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए अलग आईडी होगी। ये नहीं है कि बहन की भी एक आईडी से भर दी, अपनी भी एक आईडी से, अलग अलग आईडी होंगी, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड भूल गए तो उसका भी जुगाड़ हम बता देंगे, फिर अपना ध्यान से भरना है। इसके बाद देखिए सिग्नेचर क्या क्या आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। एक फ़ोटो जिसका वाइट बैकग्राउंड होगा, और सिग्नेचर, और थंब इम्प्रेशन। और देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए सभी कैंडिडेट के लिए, कोई फीमेल मेल का नहीं है इस बार, वरना मेल का अलग फीमेल का अलग होता है। और 200 KB से कम होना चाहिए आपका सभी फाइल का साइज़। और आपके पास ईमेल आईडी और नंबर होना चाहिए। कार्ड वगैरह जिससे आप पेमेंट करेंगे उसका ध्यान रखना, और जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है देखिए कैसे लॉगिन करना है। पहले तो लॉगिन करने से पहले आप साइनअप करेंगे, उसके लिए आपको आईडी बनानी है। इसमें देखिए नाम भर देंगे, मिडिल नेम भर देंगे, लास्ट नेम भर देंगे। तीन नाम होंगे तो एक नाम होगा तो एक ही भर देंगे, बाकी डॉट लगा सकते हैं बाद में। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, अपना आधार नंबर भर देंगे, और फ़ोन नंबर, ईमेल, और ईमेल ऐसा भरिएगा, ध्यान रखिएगा आपके पास और मोबाइल नंबर एंड तक रहे, मतलब एडमिशन के बाद भी आपके पास रहे, क्योंकि एडमिशन के वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों के पास ईमेल आईडी या नंबर का एक्सेस नहीं होता। फिर अपना कोई पासवर्ड चूज़ करें, अच्छा सा पासवर्ड करिएगा, याद रहे तो बेहतर है, वरना फॉरगेट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। कन्फर्म करेंगे, आई एम नॉट रोबोट करेंगे, फिर रजिस्टर कर देना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो रजिस्टर पे क्लिक किया है, उसके बाद ये आएगा एप्लीकेशन प्रोसेस इन 6 स्टेप। तो यहाँ पे 6 स्टेप लिखे हैं, तो 6 स्टेप आपको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्टेप हम देखेंगे फॉर्म भरते हुए रियलिटी में। तो चलिए इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। ये अप्लाई आ रहा है आपका, अप्लाई आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए ईमेल आया होगा आपके पास, अब ईमेल जाकर अपने फ़ोन में उसे वेरीफाई करना है, फिर अपना यहाँ पर अपडेट हो जाएगा आपका। तो देखिए आप ईमेल पर जाएंगे, सीधा सीधा क्लिक हेयर टू वेरीफाई आएगा, कोई बड़ा काम नहीं है, वो आपके ब्राउज़र पे डायरेक्ट कर देगा, फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन देगा, वहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिलेक्ट फॉर्म टाइप करना है आपको। इसके बाद ये है आपका सिलेक्ट फॉर्म टाइप में, देखिए जनरल का भरना है या फॉरेन नेशनल और एनआरआई। वैसे जनरल ही होगा आपका, फॉरेन नेशनल जो दूसरी कंट्री के, एनआरआई जो इंडिया में रहकर बाहर के हैं। हमने देखिए इसमें जनरल कर दिया है, जनरल का भरना है, बाकी फॉरेन नेशनल और एनआरआई का जो स्टूडेंट्स होंगे वो फिल कर देंगे।
ठीक है, जनरल में फिर आपको जो भी होगा मतलब उसके बाद आपको कोर्स लेवल फिल करना है। बैचलर्स का अलग होता है, स्कूल्स का डिप्लोमा, ये है आपका 11th क्लास का डिप्लोमा, मास्टर्स ठीक है वो समझ जाएंगे सब, और ये वाला डिप्लोमा 11th क्लास और 10th के बाद वाला है, ये डिप्लोमा अलग कोर्सेज हैं ठीक है। मास्टर डिग्री कोर्सेज अलग से हैं, देखिए जो भी आपका होगा ब्रिज कोर्स स्कूल ठीक है। फिर इसके बाद हम जैसे हम बैचलर डिग्री का भर रहे हैं, कोई इशू नहीं, सबका सेम होता है, टेंशन मत लीजिए। सेलेक्ट अ फॉर्म, इसमें आप अपना कोर्स आप सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है। जैसे BLLB है, BLLB फिल करना है, इसके बाद प्रोसीड कर देना है ठीक है। प्रोसीड के बाद देखिए ये आपकी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने अब तक फिल की हैं ठीक है। इसके बाद चेक कर लेना है आपका कुछ गलत तो नहीं है, सब डिटेल्स आपकी सही है या नहीं है। इसके बाद जेंडर, नेशनलिटी, अभी रिलीजन मांग रहा है, इसमें अभी होस्ट होल रिक्वायर्ड चाहिए, तो इसमें अभी हम एडिट करेंगे, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो इसे एडिट करना है। और यहाँ फादर नेम भरना है, देखिए आपको मदर नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भरना है, और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, हॉस्टल एकोमोडेशन में अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यस कर देंगे, अगर नहीं चाहिए आप लोकल हैं तो नो कर दीजिए ठीक है। इसके बाद आपको करना है प्रोसीड टू रिव्यू, तो देखिए जब आप कर देंगे प्रोसीड टू रिव्यू तो आपका ऐसे होम पेज पर आ जाएगा। फिर आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे फिर से आपका जो अभी आपने डिटेल्स डाली थी उस वाले पेज पे आ गया। अब इसे दोबारा चेक कीजिए, यहाँ पर सब चीज़ आ गई है या नहीं और कुछ गलत तो नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ आप चेक कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका बिल्कुल सही है तो टाइम वेस्ट ना कीजिए, प्रोसीड टू एड्रेस पे कर दीजिए। इसमें एड्रेसेस में आएगा, ये एड्रेस पूछेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है आपको और परमानेंट एड्रेस डालना है ठीक है। एड्रेस टाइप डालेंगे, इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस डालना है पहले या परमानेंट डालना है आपको, वो फिल कर लीजिए ठीक है। उसके बाद अपना एड्रेस आप फिल कर दीजिए, वैसे परमानेंट एड्रेस डालिए जो भी डालना है आपको, अगर कॉरेस्पॉन्डेंस डालेंगे परमानेंट भी मांगेगा आपका। फिर आप सेव कर देना है, देखिए सेव करने के बाद आपका ये परमानेंट एड्रेस ऐसे शो कर देगा ठीक है। यहाँ पर आपका परमानेंट तो ये परमानेंट एड्रेस आपका दिखाएगा, ऐसे ही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिखाएगा तो ठीक है। अगर आपको एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस और दोनों ऐड करने हैं तो यहाँ से ऐड कर लीजिएगा दूसरा भी, फिर अगर आपको एक ही करना है तो एक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आपका मेन चीज़ आती है देखिए यहाँ पर ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा भी है, देखिए अगर क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लास 5th की आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, और क्लास 9th का कर रहे हैं तो क्लास 8th का डालनी पड़ेगी, और अगर आप 11th के लिए कर रहे हैं तो 10th की, अगर आप ग्रेजुएशन की कर रहे हैं तो 10th और 12th की दोनों की डालनी है, बाकी फिर मास्टर्स के लिए हैं तो 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों की ठीक है। इस तरह से आप अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे ठीक है। क्वालिफ़िकेशन लेवल आप जैसे जो भी होगा, अब अगर ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो प्लस टू वगैरह जो भी कर देंगे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो भी कोर्स का आप करेंगे। फिर कोर्स नेम ऑफ कोर्स, कौन सी कोर्स किया आपने या कौन सी क्लास की क्लास लिख देंगे, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट जो भी होगा पास फेल, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो अवेटेड पे कर देना है, ऐसा है क्योंकि बहुत बच्चों का भी रिजल्ट नहीं आता। अपना बोर्ड सेलेक्ट कर देंगे या जोन सी यूनिवर्सिटी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी थी, अपना रोल नंबर अगर आप अवेटेड कर देंगे तो रोल नंबर नहीं लिखा जाएगा, परसेंटेज भी नहीं लिखी जाएगी, अगर आपका पास या फेल करेंगे तब आपका आएगा यहाँ पर। फिर सर्टिफिकेट अगर आपको अपलोड करना है, आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, वरना आप सेव कर दीजिए ठीक है। इसके बाद आपका स्टेप जो आता है, इसके बाद देखिए ऐसे आपका शो करेगा जो भी आप ऐड करेंगे यहाँ पर, जितने भी आप कर सकते हैं, जैसे ये प्लस टू का क्या आपको बैचलर का भी ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए। इसके बाद फिर आपको प्रोसीड टू फोटो अपलोड पर करेंगे, फ़ोटो अपलोड के लिए और सिग्नेचर के लिए ठीक है। सिग्नेचर का मैंने बताया, वो सिग्नेचर करना है, थंब के लिए मैंने बताया था, थंब आप कोई से भी हाथ का लगा सकते हैं, कोई उसके लिए गाइडलाइंस नहीं है ठीक है। और फिर फ़ोटो का मैंने बताया था 200 KB का ध्यान रखना है, फिर आप यहाँ से अपलोड फ़ोटो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड थंब कर लेंगे। देखिए जब आप अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस आएंगे ठीक है। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, बाकी पढ़ सकते हैं तो वैसे इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, यही बताया क्लियर होना चाहिए और फटा हुआ नहीं चाहिए, मतलब पिक्सल्स फट जाते हैं क्योंकि कैमरा सही नहीं होता, आपने किसी फ़ोटो का मोबाइल से ही क्लिक करके अपलोड करते हैं और
ऐसा ना हो आप बिल्कुल सही लुक में ना हो, ड्रेस वगैरह सही से होनी चाहिए, सेल्फी वगैरह अपलोड मत कीजिएगा। इसके बाद आप आई एव रीड कर देंगे, इस पर टिक कर देंगे, फिर चूज़ फाइल करेंगे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से चूज़ कर लेंगे, बाकी फिर सबमिट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये फ़ोटो और साइन और ये थंब आपका अपलोड हो चुका है, और चेक कर लेंगे एक बार, क्योंकि ऐसा होता है बच्चे फ़ोटो की जगह साइन कर देते हैं, साइन की जगह थंब कर देते हैं, ये सब प्रॉब्लम आती है, कर देते हैं बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है, और इसलिए चेक कर लेना फ़ोटो की जगह या फ़ोटो साइन फिर थंब, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू कैटेगरीज करना है। थोड़ा देखिए ये एएमयू का लेंथी फॉर्म है, और मैं इस वीडियो में बता भी रहा हूँ क्या आपको करना है, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ों पर आपको ध्यान रख के चलना है, गलती ना हो, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। बाकी आगे भी और अपडेट मैं देता रहता हूँ, सब चीज़ बताते रहो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एएमयू जामिया से और भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको एंट्रेंस क्लियर करना है, और सारी अपडेट्स गाइडेंस, ठीक है। इसके बाद कैटेगरीज में देखिए कैटेगरीज कौन सी है आपकी, कैटेगरी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, आपका जो भी होगा ये CA चाइल्ड ऑफ एल्यूमनी, CA SC ST OBC जो भी होगा, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कोई कैटेगरी नहीं है, इसके बाद आपको करना क्या है, आपको प्रोसीड टू अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें एक और बात आप ख्याल रखेंगे, जब भी आप कैटेगरी लगाएंगे तो कैटेगरी आपकी मैक्सिमम तीन ही लग सकती हैं, तीन से ज़्यादा कैटेगरी नहीं लगेंगी। कि आप सोचें हम चार पांच कैटेगरी लगा देते हैं, मतलब हैं आपके पास तभी लगाएंगे वो तो, लेकिन उसमें से आपकी तीन ही मानी जाएंगी, इसलिए आप तीन ही लगाइए जो आपकी बेस्ट हो, मतलब जिसमें आपको सीट मिलने का चांस हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब का ये आपका ये प्रोसीड टू अप्लाई आएगा ना, इसके बाद आपका फिर वो कोर्स पूछेगा, देखिए कोर्स वगैरह पूछने लगेगा, फॉर्म टाइप और कोर्स लेवल और फॉर्म, ठीक है। जैसे आपको जनरल में भरना है, और फिर कोर्स जैसे बैचलर हो गया और आपका जो कोर्स भी होगा, लेकिन अभी इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ अभी स्कूल्स के लिए काम कर रहा है, स्कूल्स के, क्योंकि मैंने एक वीडियो आएगी आपकी उसमें बताऊँगा मैं किस फॉर्म किस कोर्स का किस डेट से आपका स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, ठीक है, आप चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी सभी फॉर्म्स की डेट नहीं आई है, अराउंड 22 से सभी फॉर्म्स आपके ओपन हो जाएंगे, तो अभी सभी फॉर्म्स ओपन नहीं हुए, तो आप प्रोसीड करेंगे ना, देखिए फिर आपसे वही सेम प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका एड्रेस वगैरह का पूछेगा वही सब स्टार्ट होने लगेगा। तो स्कूल्स का अगर आप हैं स्कूल्स का, तो यहाँ से अप्लाई से आप अप्लाई से देखेंगे, अप्लाई करेंगे स्कूल्स के लिए, कहाँ पर आपका स्कूल ये है, और ओके पहले जनरल सेलेक्ट कर लेंगे, आप स्कूल कर लेंगे, इसके बाद आपका फिर स्कूल का 9th वगैरह करेंगे ना आप जैसे, फिर इसका आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका फिर सिंपल मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, देखिए बाद में भी अगर आप वीडियो देखेंगे जब आपका ये हो जाएगा, मतलब डेट हो जाएगी, तो उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। कैटेगरी के बाद आपका येस और नो मांगेगा, नो करके आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम ये आ रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे, माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट कैसे करनी है मैं बता रहा हूँ आपको। माई ट्रांजेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका कोर्स आ जाएगा और पे नाओ का आ जाएगा, आपका यहाँ पर पे नाउ करके आप अपने कार्ड्स की डिटेल डालेंगे, सिंपली कार्ड्स की डिटेल डाल के OTP डाल के, और आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पर फिर PDF डाउनलोड करने का आपका ऑप्शन आ जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसे डाउनलोड करके सेफ रख लेना है, बस इतना था। और बाकी अपडेट्स आएंगी, कैसे आपका एंट्रेंस करना है, कब होगा, डेट्स वगैरह, वो सब चीज़ उसकी चैनल पर वीडियो आ जाएगी, उसकी आप फिक्र मत कीजिए। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका ही फ़ायदा है, देखिए वो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनी है, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए और कोई अपडेट्स वगैरह या जो भी हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।